नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इन छुट्टियों में, क्योंकि आपके स्कूल तो बंद है तो आपके लिए तो छुट्टी हुई है ना, पर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं मुझे पता है। चलिए आज कुछ छुट्टी वाला मज़ा लेते हैं। आज हम कक्षा 3 का पर्यावरण अध्ययन का पाठ 28 पढ़ने वाले हैं, और इस पाठ में हमें कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें हम एक कहानी की बात करेंगे। तो बच्चों चलिए, आज हम पाठ 28 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है राजू गया तालाब पर। इसे चित्रों को देख देख कर भी आप समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में आपको बोला क्या गया है। देखिए यहाँ पर ये जो राजू है, इस कहानी का एक पात्र है और एक लड़का है जो एक बार तालाब कर पास गया। इस राजू ने तालाब में क्या देखा? देखिए वहाँ आपको दिखाई दे रहा है, राजू ने वहाँ पर एक मेंढक देखा। मेंढक देखकर राजू जो है उसे एक शरारत सूझी। आप भी शरारत करते होंगे, पर इस तरह की शरारत इस पाठ को पढ़ने के बाद आप कभी नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? देखिए राजू ने मेंढक को देखा और उसे पत्थर मारने के लिए उसने एक पत्थर उठाया। जैसे ही उसने मेंढक को पत्थर मारा, मेंढक जो है वो डर गया और वो वहाँ से भाग गया। अब राजू जो है उसे तो बहुत मज़ा आया, वो गया और घर जाकर बढ़िया खाना खाया और रात को उड़कर सो गया। रात को जब वो सोया तो क्या हुआ, उसे एक सपना आया। सपने में राजू ने क्या देखा? राजू ने देखा कि एक गाय जो है उसका पीछा कर रही है। राजू आगे, गाय पीछे, और वो गाय जो है वो उसे मारने के लिए दौड़ रही है। देखिए गाय कितनी गुस्से में दिख रही है ना। राजू बहुत डर गया और वो एकदम जोर से चिल्लाया, मम्मी। जैसे आप भी डरते हैं तो आप भी मम्मी को बुलाते हैं ना। जैसे ही वो चिल्लाया, उसकी माँ तुरंत दौड़ के आई और राजू को गले लगा लिया। फिर राजू ने अपना पूरा सपना अपनी माँ को बताया। उसने दिन की घटना भी बताई। उसने ये भी बताया कि आज उसने एक गलत काम किया। क्या गलत काम किया था? उसने एक मेंढक को पत्थर मारा था। माँ ने उसे समझाया कि आपने गलत काम किया और वही बात आपके दिमाग में रही, इसीलिए आपको डरावना सपना आया। इस छोटी सी कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। क्या है वो सीख? ये देखिए, बेवजह हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई जानवर हो या कोई इंसान हो, चिड़िया हो, चाहे वो पौधे हो, उन्हें भी हमें कभी काटना, मारना, तोड़ना नहीं चाहिए, है ना बच्चों? तो कुछ अच्छी बातें हम और सीखते हैं। क्या अच्छी बातें? ये देखिए यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि एक बुढ़िया सी दादी हैं, है ना, जो रास्ता पार कर रही हैं। अब बूढ़े लोग जो होते हैं उनमें उतनी ताकत नहीं होती है ना, तो उन्हें किसी के मदद की ज़रूरत होती है। तो दादी जो है उन्हें भी मदद की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि वो रास्ता पार करके उस पार जाना चाहती थी। तो उन्होंने देखा कि एक लड़का स्कूल जा रहा था, तो उन्होंने उस लड़के को पास बुलाया और मदद मांगी, पर वो लड़का जो था उसने दादी की मदद नहीं की। उसने दादी को अनदेखा किया, दादी की बात नहीं सुनी और वो वहाँ से चला गया। उतनी देर में एक और लड़की जा रही थी, वहाँ से स्कूल जा रही है। देखिए बैग है उसके पास, है ना, तो उसने देखा कि बुढ़िया जो है वो मदद मांग रही है, तो वो दौड़कर बुढ़िया के पास आई और उसने हाथ पकड़कर, इस तरह देखिए ये दिख रहा है ना आपको, हाथ पकड़ा और उन बूढ़ी दादी को उसने रास्ता पार कराया। फिर वो वापस अपने स्कूल गई। अब यहाँ पर हमें, मैंने आपसे अगर कहा कि आपको दोनों में से कौन सही लगता है, वो लड़का या ये लड़की, आप क्या सोचते हैं कौन सही है? बिल्कुल सही, ये लड़की, क्योंकि ये लड़की जानती है कि हमें बुज़ुर्गों की सहायता करनी चाहिए और किसी की भी सहायता करना अच्छी बात होती है। सिर्फ बुज़ुर्गों की ही सहायता करेंगे हम? नहीं, हमें
कुछ दिव्यांग व्यक्ति जो होते हैं उनकी भी सहायता करनी चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उन्हें संवेदनशीलता की ज़रूरत होती है। ये अच्छी बातें हमें अपने जीवन में आत्मसात करनी चाहिए। तो आज इस छोटी सी कहानी ने हमें बहुत बड़ी बड़ी तीन बातें सिखाई। कौन सी तीन बातें? चलिए पढ़िए। देखिए नंबर एक में क्या लिखा है, हमें बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा पढ़िए, हमें बुज़ुर्गों की सहायता करनी चाहिए। आपके घर में भी बुज़ुर्ग होंगे, तो आपकी दादी हैं या आपके बाबा हैं, दादाजी हैं, नाना जी हैं, है ना। तो आप सभी बच्चे आज से ये प्रण कर लें कि आप अपने घर के बुज़ुर्गों की सहायता करेंगे, ठीक है। और एक वाक्य देखिए, तीसरी सीख क्या है कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उन्हें संवेदनशीलता की ज़रूरत होती है। तो हमें इन तीन सीख को, इन तीन अच्छी बातों को अपने जीवन में आत्मसात करनी है, ठीक है बच्चों। आशा है इस कहानी को पढ़कर आप भी अब बहुत अच्छे बच्चे बनने वाले हैं, है ना। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न पढ़िए, कोई ऐसी घटना बताओ जिसमें तुमने किसी की मदद की। हम बहुत सी ऐसी घटनाएं लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप अच्छे बच्चे हैं, आप बहुत सारे लोगों की मदद करते होंगे, आपको केवल एक घटना लिखनी है, ठीक। दूसरा प्रश्न पढ़िए, क्या आपको विशेष आवश्यकता वाले लोग, अब विशेष आवश्यकता वाले लोग क्या होते हैं, ऐसे जिनके हाथ नहीं है या जिनका पाँव नहीं है, कभी किसी को दिखाई नहीं देता, तो ये विशेष आवश्यकता वाले लोग होते हैं, है ना। तो प्रश्न पढ़िए, क्या आपको विशेष आवश्यकता वाले लोगों जैसे हाथ पैर आँख से संबंधित की मदद करना अच्छा लगता है, बताइएगा, ठीक है। क्या आपने ऐसे लोगों की मदद की है, और अगर की है तो उसे भी आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए और एक गृह कार्य भी आपको दिया है मैंने, क्या दिया है चलिए उसे भी हम देख लेते हैं। गृह कार्य में आपको लिखना है कि आपने किसकी मदद की है, अपनी कॉपी में लिखिए, और इसे आप अच्छे से, जैसे भी आपने मदद की है, कभी आपने किसी को पानी दिया होगा, कभी किसी को रास्ता पार कराया होगा, है ना, तो ये सारी बातें आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो आज की इस कहानी में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे अच्छे बच्चे इन सारी बातों को अपने जीवन में लाएंगे, ठीक है। चलिए हम फिर मिलेंगे, नमस्कार।